नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम चालू करते हैं सी लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह लैंग्वेज होती क्या है, क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यह समझना जरूरी है। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिससे कि हम किसी को अपनी बात से अवगत करवा सके, जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद समबडी, दैट इज लैंग्वेज। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि हम किसी को अपनी बात बता सके, उसे हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों जरूरत पड़ती है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और हम इंसान हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते। तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कि हम कंप्यूटर को समझा सके। हम ये बात करें कि ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के नजदीक कोई चीज होगी जिसको कंप्यूटर समझता है, और यहां पर हम हैं, मानव है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। हमें इस कंप्यूटर को निर्देश देने हैं। अगर आप एमएस वर्ड खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप कंप्यूटर को? निर्देश दे रहे हैं। एमएस वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट खोला, क्या किया? निर्देश दिया। आपने उसे सेव किया, क्या किया? कंप्यूटर को निर्देश दिया। तो आपको कंप्यूटर को निर्देश देने हैं, लेकिन हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी नहीं समझता। हमारे सामने तो समस्या हो गई। हम क्या कर रहे हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक कोई लैंग्वेज है जिसे कि हम समझते हैं, हम उस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर को अपनी बात से अवगत करवा सके। क्या कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज समझता है? नहीं समझता। तो क्या करना पड़ेगा? कोई लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा और लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझेगा। तो जो भी निर्देश हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, किसी फाइल को खोलना है, सेव करना है, इसे लेकर दो नंबर को जोड़ना है वगैरह वगैरह, उन सभी के लिए हमें जो निर्देश देने हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर दे रहे हैं। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है। बीच में हमारे पास कोई चीज होती है, कोई प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ये इस पूरी कहानी है कि क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे कि सब कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं समझता, कंप्यूटर हिंदी भी नहीं समझता, अंग्रेजी भी नहीं समझता, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि ये कंप्यूटर है, यहां पर इसकी लो लेवल लैंग्वेज होगी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, और यहां पर मैं हिंदी या इंग्लिश के अंदर बात करूं, तो होना चाहिए ना भाई। कंप्यूटर तो मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज को भी नहीं समझ रहा है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है, तो क्यों ना हम हिंदी इंग्लिश को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों क्यों हमें हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, क्यों हिंदी इंग्लिश के अंदर हम काम नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन है कि हिंदी और इंग्लिश या ऐसी लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, जो भी लैंग्वेजेज हैं, वो बहुत बड़ी लैंग्वेजेज हैं और उनके अंदर हमारी भावनाओं की वैल्यू होती है। एक ही बात को अगर हम थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, उसी बात को आप थोड़ा गुस्से में बोलेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। तो हमें यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है, हमें यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज बहुत वॉश्ड है, उसके अंदर इमोशंस की वैल्यू है, वहां पर हर सेंटेंस का अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मतलब हो सकता है, हर शब्द का अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए
जो कि हमारी जो लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, उनका एक छोटा रूप हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज जो आप बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इज जस्ट ए सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम क्या कह रहे हैं साहब, जो उच्च स्तरीय भाषा है अंग्रेजी का ही उपसमुच्चय, अंग्रेजी का ही उपसमुच्चय, मतलब वास्तव में जो अंग्रेजी भाषा है उसी में से कुछ शब्दों को निकाल लिया और हमने कहा साहब ये हमारी लैंग्वेज है, ताकि हमारा कंप्यूटर, हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो और हर बात का बिल्कुल एक ही मतलब, फिक्स मतलब निकले। ये है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट दैट इज ए सबसेट ऑफ आर इंग्लिश लैंग्वेज। अब चूंकि आज की तारीख में हमारे पास सिस्टम बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, जहां पर कि इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज जैसी लैंग्वेजेज के ऊपर भी काम चल रहा है, कि क्यों ना हम अपनी प्रोसेसिंग, अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने निर्देश उसी भाषा में दे दें जो हमें आती है। तो बहुत सारे सिस्टम अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन वो अभी बहुत हो सकता है आगे आने वाले 5-7-10 साल के बाद हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी मिले कि डायरेक्ट जो हमारी लैंग्वेजेज हैं हम उन्हीं के अंदर कंप्यूटर को निर्देश दे सके। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जहां पर कि आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम कर पाएंगे। तो ये पूरा जो समझाने का मतलब था यह था कि भाई सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज की हमें आवश्यकता क्यों है। आई होप कंप्लीट क्लियर है, आगे चलते हैं। आते हैं अपन सी लैंग्वेज को समझते हैं। हम कह रहे हैं सब सी जो है एक सामान्य उपयोग में आने वाली उच्च स्तरीय भाषा है, दिस इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक जनरल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल लैंग्वेज का मतलब कोई स्पेसिफिक काम के लिए नहीं, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेज ऐसी हैं जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनी है। जैसे कोई लैंग्वेज केवल साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई है, कोई लैंग्वेज ऐसी है जो कि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई है, लेकिन सी में ऐसा नहीं। सी में आप हर तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहां पर स्ट्रक्चर्ड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जिसे हम कहते हैं संरचित भाषा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तीन चीजें होती हैं, सीक्वेंस, क्रम, सिलेक्शन, चयन और इटरेशन, बारंबारता, एक ही काम को बार बार करना है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर की तीनों चीज होगी, क्रम होगा, कोई भी निर्देशों का समूह जो कि क्रम में एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, सीक्वेंस, चयन, हम चयन कर सके कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, कौन सा नहीं होना है, कौन से निर्देश की पालना करनी है, कौन से की नहीं करनी है, और एक ही काम को बार बार अगर करनी है तो उसके लिए इटरेशन पड़ेंगे। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर के तीनों चीज होती है उन्हें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आज की तारीख में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सभी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन पहले जब सी बनी थी 1972 के अंदर, तब ये एक अलग बात थी, वहां पर बहुत कम लैंग्वेजेज ऐसी थी जिसके अंदर की जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती थी। ये किसी भी एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करेगी, दिस नॉट फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज पे काम कर रहे हैं, लिनक्स पे कर रहे हैं, मैक पे, किसी पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये काम करेगी।
राइट। सी के अंदर, सी को कई जगह पर मध्य स्तरीय भाषा भी कहते हैं, मध्य स्तरीय भाषा भी कहते हैं। हालांकि कंप्यूटर साइंस के अंदर मध्य स्तरीय भाषा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सी के लिए स्पेशली कई जगह पर मध्य स्तरीय भाषा या मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्यों साहब? क्योंकि सी के अंदर कई ऐसे फीचर हैं, कई लक्षण ऐसे हैं जिससे कि यह सीधे हार्डवेयर को निर्देश दे सकता है। मध्य स्तरीय भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि यह आपका हार्डवेयर है, यहां पर हमने कहा सा वह था लो लेवल लैंग्वेज है, और ये आपका कौन सा है, आप काम कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज काम कर, यही बात कर रहे थे अपन। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमने कहा सा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वरना हार्डवेयर को डायरेक्ट निर्देश नहीं दे सकती। पर सी के अंदर स्पेशली कुछ चीजें ऐसी भी वो सीधे जाकर हार्डवेयर को निर्देश देती है, इसलिए सी को मध्य स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। आई होप आप बात समझ रहे हैं। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सी है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली बात, सी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष के लिए नहीं है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी। सी में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि सीधे जाके लो लेवल लैंग्वेज की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको मध्य स्तरीय भाषा भी कहते हैं। बस इतनी सी बात है। सी को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग कौन सी है सर? जैसे आपने प्रिंटर लगाया तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं कि नहीं, तो वो क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम जो कि हमारे हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कौन सी है? जैसे आपका कैलकुलेटर है, एमएस वर्ड है, आपके जन्म पत्री के सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो सी को सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी काम में लिया जाता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए भी काम में लिया जा सकता है। बहुत सारी बातें अपन ने कर ली, एक बार इसको समराइज करते हैं। हमने कहा सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर एक मशीन है तो हम कंप्यूटर को डायरेक्ट निर्देश नहीं दे सकते। इसके बाद हमने बात की कि भाई हमारी जो सी का लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जिसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है। हमने बात की कि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब है इसमें तीन तरीके की चीजें होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए, इटरेशन होनी चाहिए, क्रम चयन और बारंबारता, ये तीनों चीज इसके अंदर होनी चाहिए। हमने कहा सी के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो लो लेवल लैंग्वेज से संबंधित हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कई जगह पर लिखा गया है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तमाम बातें हैं जो अपन ने डिस्कस की है। आगे चलते हैं सी की हिस्ट्री, इतिहास। देखिए साहब, सी को बनाया गया था 1972 के अंदर। कहां बनाया था? वेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाया था। वेल लैब्स कहां पर है? यूएसए के अंदर है। और जो सी को बनाया था, जो सज्जन थे जिन्होंने सी को बनाया, जिनका नाम चलता है, वो है डेनिस रिची। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी एक आदमी बनाए, पूरी टीम काम करती है, लेकिन जो एक बॉस होते हैं उन्हीं का नाम होता है। तो डेनिस रिची साहब ने 1972 के अंदर बेल लैब्स के अंदर सी को बनाया था। अब बेल लैब्स का नाम क्या है? आप बेल लैब का नाम AT&T लैब है। AT&T लैब है। बेल लैब्स का नाम अब AT&T लैब्स है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। कभी कभी क्वेश्चन में बेल लैब नहीं आया, सब AT&T लैब आ गया, तो हमें AT&T सेलेक्ट करना है। दोनों आ गया तो हमें बेल लैब चूज करना है, क्योंकि उस वक्त तो बेल लैब था, अब इसका नाम बदल के AT&T लैब हो गया।
सी को दो अलग अलग भाषाओं से बनाया गया है, और ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? बीसीपीएल और बी, दो भाषा हैं जिनसे सी को बनाया गया है, बी एवं बीसीपीएल। पहले की दो भाषाओं बी और बीसीपीएल से बनाया गया है। इसके बहुत सारे जो गुण हैं वो बीसीपीएल से लिए गए हैं, और बीसीपीएल को किसने बनाया? मार्टिन रिचार्ड ने। बीसीपीएल को किसने बनाया सर? मार्टिन रिचार्ड। ध्यान रखिएगा ये चीजें, अक्सर कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सी को किन दो भाषाओं से बनाया गया? बी और बीसीपीएल से। बीसीपीएल को किसने बनाया? मार्टिन रिचार्ड ने। ठीक है, सी को ये कहा जाता है कि बी की अगली पीढ़ी है, बी के बाद में, बी से इसको बनाया गया, ये जस्ट बी की अगली लैंग्वेज है। तो इसको कहा जाता है कि ये बी लैंग्वेज को प्रसीड करती है। बी लैंग्वेज क्या थी? इसको 1970s के अंदर बनाया था। किसने बनाया था? केन थॉमसन ने बनाया था। और क्यों बनाया था? पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था सर। लाइनेक्स अपन पढ़ते हैं कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लाइनेक्स क्या है? वो यूनिक्स का एक इंप्लीमेंटेशन है, और उसको 1970s के अंदर सबसे पहले बनाया गया था। और किस लैंग्वेज में बनाया था? उसको बी लैंग्वेज के अंदर बनाया था, और बी लैंग्वेज सी की प्रेडिसेसर है, मतलब सी से पहले बनाई गई लैंग्वेज थी, और उसी को रिफाइन करने के बाद में सी लैंग्वेज बनाई गई थी। तो साथियों, पूरी हिस्ट्री की अगर बात करें, सी को 1972 के अंदर बनाया गया, बेल लैब्स के अंदर बनाया गया, डेनिस एची साहब ने बनाया, दो लैंग्वेजेस से मिलके बनी, बी और बीसीपीएल से। बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बनाया, बीसीपीएल को मार्टिन रिचार्ड ने बनाया। बी लैंग्वेज को यूनिक्स, पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया। बस इतनी सी बात है, इतनी सी हिस्ट्री है, ज्यादा हिस्ट्री की डेप्थ में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। होप यहां तक की सारी बातें बिल्कुल ठीक है। चलिए ओके, देखिए सर, इसके बाद हमारे पास है भाषा के प्रकार। जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, यहां पर भाषा से हमारा मतलब कौन सा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमारा मतलब है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो भागों में हम बांटते हैं, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जो होती है बहुत सारी होती है, जैसे यहां पर एक कंपाइलर गलत इसका दे रखा है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रॉन, बेसिक एटसेट्रा, ये सब क्या है सर? उच्च स्तरीय भाषा है। कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम पढ़ते हैं कि मशीन भाषा जो कि जिसको कि डायरेक्ट मशीन समझती है, असेंबली भाषा जिसको कि मशीन भाषा में असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं भाई, ये जो आपकी हार्डवेयर है, हार्डवेयर के नजदीक जो आपकी भाषा है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर जो आपकी लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। कौन कन्वर्ट करता है सब? कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर कंपाइलर से हमारा मतलब है कि कंपाइलर मेरी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और सी कंपाइलर को काम में लेती है।
सामान्यतः हम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हैं, या तो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है कि नहीं? यहां पर सी के अंदर कंपाइलर होता है। आशा है यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ये अभी तक की हमारी जो बात थी वो सामान्य बातें थी कि सी के अंदर सी की हिस्ट्री क्या है, सी क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो तमाम बातें अपन ने यहां पर की है। सी के फीचर्स क्या है, सी के गुण क्या है, लक्षण, प्रॉपर्टीज, बहुत सारे हम बात करते हैं। अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग चीजें डिफाइन हैं, लेकिन जो सामान्य हमारे फीचर्स हैं, सबसे पहला उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है, हर ओएस के लिए उपलब्ध है। दिस इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दक्षता, दक्षता से हमारा मतलब है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर एक प्रोग्राम सपोज आपने सी में बनाया और एक जावा में बनाया, तो कौन सा प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होगा, रेस्पॉन्स टाइम किसका कम होगा? सी के प्रोग्राम का रेस्पॉन्स टाइम कम होगा। सी प्रोग्राम्स आर नोन एज मोस्ट एफिशिएंट प्रोग्राम्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर ऐसे हैं जो डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जो सी के प्रोग्राम हैं, उन्हें मोस्ट एफिशिएंट प्रोग्राम्स बोला जाता है। डेटा टाइप, बहुत बड़ा सेट डेटा टाइप का सी के अंदर है, बहुत बड़ा सेट। डेटा टाइप होते क्या है अपन बात करेंगे आगे, डेटा टाइप का उपलब्ध है, तो बहुत बड़ा सेट डेटा टाइप का उपलब्ध है सी के अंदर। कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट, ये भी अपन बात करेंगे, सारे कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट अपने पास हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड संचरित, संचरित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। फंक्शंस, सी के अंदर फंक्शंस या जिन्हें हम कहते हैं मॉड्यूल्स, प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से, फंक्शंस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग काफी आसान हो जाती है। और सी प्रोग्राम को एक से अधिक फाइल्स में हम बना सकते हैं। मान के चले कि सब एक फाइल में आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के 10,000 लाइन हो गए, तो उसको मैनेज करने में आप पागल हो जाएंगे। हम क्या चाहेंगे कि 10,000 लाइन के कोड को हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दें, कोई 100 पेज लाइन का हो गया, कोई 200 लाइन का, अपने कोड के हिसाब से हो सकता है, कोई 50 लाइन का हो गया, कोई 30 लाइन का हो गया। तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर हम बना सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स को फिर हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ये सामान्य फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं, गुण हैं जो कि सी के अंदर होते हैं। चलिए सर, अब अपन आते हैं सी के छोटे से प्रोग्राम के ऊपर। इसके बाद अपन ये भी देखेंगे Either in this lecture or in next lecture, कि C को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हमें इस प्रोग्राम को रन करना है, किस तरह से अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं C का एक सबसे छोटा प्रोग्राम, How this program works। देखिए सर, हम कह रहे हैं हमें एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। ये हमने सबसे पहले लिखा स्लैश स्टार और स्लैश स्टार, सॉरी स्टार स्लैश से इसको बंद कर दिया, इसे हम कहते हैं कमेंट।
कमेंट। लाइन नंबर वन जो आपकी लिखी हुई है। दूसरी चीज जो आपके पास यहां पर है वो हमारे पास है इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हो गया इंक्लूड डायरेक्टिव। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भाई ये stdio.h को जो है वो अपने साथ में इंक्लूड कर लो, इसको अपने साथ में रख लो। हो सकता है हम कोई ऐसी चीज काम में लेने जा रहे हो जिसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़े, इसलिए हमने stdio.h को यहां पर इंक्लूड किया है। ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनको कि हेडर फाइल कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं, जिनको कि हमें साथ में लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर हम उनसे संबंधित कुछ कामों को कर रहे हैं या उपयोग में ले रहे हैं तो। इसके बाद आपके पास है मेन। मेन आपको क्या बता रहा है कि भैया ये हमारा मुख्य फंक्शन है, मुख्य प्रोग्राम है अभी के लिए, ठीक है, आगे अपन इसकी और डिटेल में बात करेंगे। इस जगह से चालू हो गया और यहां पर खत्म हो गया। ये आपके ब्रेसेज जिसे आप मजले ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। यहां पर अब हमने कहा फ्लोट रेडियस एंड एरिया, हमने दो वेरिएबल बनाए। वेरिएबल आगे डिटेल में हम हालांकि पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल क्या है? सब मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी बन गई सब, या दो मेमोरी है, एक का नाम तो हमने रख दिया साहब रेडियस और एक का नाम हमने रख दिया एरिया। वेरिएबल है, वेरिएबल आगे डिटेल में हालांकि हम पढ़ने वाले हैं। हमने दो वेरिएबल बना दिए, दोनों का नाम क्या रख दिया, एक का नाम रेडियस और एक का नाम एरिया। हमने कहा ये फ्लोट टाइप के हैं। फ्लोट टाइप के होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे 5.10 या 2.5 या 3.45, ऐसी कोई भी वैल्यू जो आपको उचित लगे वो आप यहां पर रख सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता हो, ठीक है। अब हमने कहा प्रिंट एफ रेडियस, अब आपकी स्क्रीन पर दिखेगा रेडियस इक्वल। इसके बाद आपने कहा स्कैन एफ कि भैया रेडियस का मान बताओ क्या रखना है, आपने कहा सपोज 2.5, तो रेडियस का मान यहां पर क्या आ गया 2.5। ये प्रिंट एफ में ऐसे क्यों लिखा है, स्कैन एफ में ऐसे क्यों लिखा है, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, स्कैन एफ यूजर से मान लेने के लिए। इसका सिंटैक्स भैया हमने ऐसे क्यों लिखा, बाद में सेमी कॉलोन क्यों लगाया, ये सब अपन आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमने यहां पर कहा एरिया इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7, 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, तो यहां पर रेडियस की जगह कौन सा मान रखा जाएगा 2.5। एरिया के अंदर हमारा एरिया जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो असाइन हो रहा है, व्हाट एवर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5h। एंड लेटर ऑन अगेन यू हैव यूज प्रिंटएफ जस्ट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। बाद में फिर आपने काम में लिया प्रिंट एफ काहे के लिए, एरिया का मान प्रिंट करने के लिए। होप यहां तक की बात ठीक है। देखिए साहब एक बार फिर चलते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक बार हल्का सा स्कैन कर लें। सबसे पहले आपने लिखा है कमेंट, कमेंट जो कि कंपाइल नहीं होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, हैश इंक्लूड किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। मेन आपके मेन फंक्शन को बता रहा है,
यहां से चालू हुआ यहां पर खत्म हो गया। दो फ्लोट वेरिएबल्स हैं, प्रिंट एफ आपने प्रिंट कर लिया, जस्ट एक मैसेज प्रिंट किया रेडियस, भैया रेडियस का मान बताओ कितना रखना है, आपने जो बताया वो यहां पर रीड कर लिया। इसके बाद आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया, एरिया को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से आपने एक फंक्शन को यहां पर, जस्ट एक प्रोग्राम आपने छोटा सा यहां पर बनाया है। हाँ साथियों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम आपने बना दिया, अब इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है, इन निर्देशों को आपको कंप्यूटर को देना है। कैसे देंगे? देखिए कैसे इस प्रोग्राम को बनाएंगे, कौन से एडिटर बनाएंगे, कैसे सी को इंस्टॉल करेंगे, वो सब अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका कंसेप्चुअल पार्ट तो समझे। हमने एक सी का प्रोग्राम बना दिया, मैंने यहां पर एक सी का प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम है फर्स्ट डॉट सी मान के चले। यहां पर मैं अगर प्रेस करता हूं मेरे एडिटर पे, जो भी फाइल है उसके अंदर, सपोज मैं प्रेस करता हूं सी टी आर एल कंट्रोल प्लस एफ नाइन, अब तीन काम होंगे। जब कंट्रोल एफ नाइन आप प्रेस करते हैं तो तीन काम होंगे। सबसे पहला, मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम लिंक होगा और तीसरी चीज मेरा प्रोग्राम रन होगा। ये तीन काम होते हैं जब कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करते हैं। कई बार हम इसको कहते हैं कंट्रोल एफ नाइन क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है, वो गंदी बात है। कंट्रोल एफ नाइन से तीन काम होते हैं। पहला, कंट्रोल एफ नाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है, फिर लिंक करता है और उसके बाद रन करता है। इस चीज को अपन वापस से समझते हैं बड़े आराम से। सबसे पहली बात, जो आपके पास प्रोग्राम है यहां पर कंपाइल हुआ, जब मेरा प्रोग्राम सी प्रोग्राम था से मैंने यहां पर कहा, मैं अलग नाम ले लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हेलो डॉट सी। सबसे पहले कंपाइल हो गया प्रोग्राम। कंपाइल होने के बाद यहां पर एक फाइल आपकी बनेगी हेलो डॉट ओबीजे, एक फाइल आपकी बनती है हेलो डॉट ओबीजे। अब कंपाइल में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो चेक होता है प्रोग्राम सही तो है ना, कहीं गलती तो नहीं है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, आपने जैसे हैश इंक्लूड लिखा उसमें एंगुलर ब्रैकेट लगाए ना, छोटे कोष्टक तो नहीं लगा दिए, आपने जो ब्रेसेस लगाए उसकी जगह बड़े कोष्टक तो नहीं लगा दिए, वो हर चीज चेक कर लेता है। अगर कहीं गलती है तो वो आपको वही बता देगा। तो सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम को पूरा चेक करता है और चेक करने के बाद मेरा जो सी प्रोग्राम है उस सी प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन भाषा के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। वापस से इस बात को समझिए, हम कह रहे हैं सबसे पहले तो मेरा सी प्रोग्राम है, हमने जब कंपाइल किया तो पहले तो इसने चेक किया, चेक क्या किया कि मेरा प्रोग्राम सही है ना, गलत तो नहीं है, उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, और चेक करने के बाद इसको मशीन भाषा के प्रोग्राम में कन्वर्ट किया। हमने बात क्या की थी कि हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज का में कन्वर्ट करना पड़ेगा, निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सी को हमारा हार्डवेयर नहीं समझता। तो निर्देश आप भले हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं पर वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब साहब इसके अंदर एक दिक्कत है, आपने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें लिखा था स्कैन है प्रिंट है, याद है आपको, आपके प्रोग्राम के अंदर स्कैन है प्रिंट है, इनके बारे में लिखा हुआ कहां है, htdio.h। तो इन सबको साथ में लेके आना पड़ेगा कि नहीं, उन सबको साथ में लेके आने को हम कहते हैं लिंक करना। ये हो गया आपका लिंक करना, और लिंक करने के बाद में ये फाइल बनाता है और वो फाइल आपकी बनेगी exe फाइल,
hello.exe फाइल। लिंक क्या करेगा, जो भी संसाधन आवश्यक है वो सब फाइल के साथ आते हैं, उसको आप लिंक करना कहते हैं। और लिंक करने के बाद आपकी क्या बन गई, hello.exe। इस hello.exe को आप रन करते हैं, यह है सब सारा प्रोग्राम। तो कंट्रोल F9 से तीनों काम हो गए, कंपाइल भी हो गया प्रोग्राम, लिंक भी हो गया प्रोग्राम, और रन भी हो गया। एक बार फिर मैं वापस से आता हूं, आपके साथ आपके सामने क्वेश्चन है, कंट्रोल F9 काम करता है कंपाइल लिंक रन, रन कंपाइल एंड रन, लिंक एंड रन, डेफिनेटली योर आंसर विल बी कंपाइल लिंक एंड रन। आप कंट्रोल F9 से कौन कौन सी फाइल बनती है, OBJ फाइल और EXE फाइल। OBJ फाइल है मशीन लैंग्वेज फाइल, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये पूरा जो आपके समझ, आपके यहां पर दो तीन क्वेश्चन निकल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोग अक्सर गलत करते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने सी पढ़ी है अगर आप वापस से याद करें तो शायद आपको जो ओबीजे वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, आप भूल चुके होंगे या आपने पढ़ा नहीं होगा। कंट्रोल F9 से तीन काम हो रहे हैं, सब कंपाइल हो रहा है, लिंक हो रहा है, रन हो रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें अपन बात करते हैं, इस सबको हटा दूं मैं, कुछ और चीजें अपन बात करते हैं। देखिए सर, मान के चले कि ये जो सी प्रोग्राम है, मान के चले ये आपका सी प्रोग्राम है, मैं अपना सेपरेट प्रोग्राम ले लेता हूं hello.c। एक आपकी फाइल बनेगी hello.obj, एक आपकी फाइल बनेगी का लिंक करने पर hello.exe, एक आपकी अब आपका रन हो रहा है, यही पढ़ाना बनना। मान के चले hello.c की साइज है 200 बाइट, hello.obj की साइज कितनी होगी, 210 बाइट। कुछ चीजें उसमें ऐड कर देता है डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। और hello.exe की साइज क्या होगी, 2500 बाइट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जितने भी संसाधन सी से रिलेटेड मेरे प्रोग्राम को चाहिए थे वो सारे साथ में लाकर ईएक्सी के साथ में बांध दिए गए, बाइंड कर दिए गए, और फिर आपकी जो ईएक्सी बन रही है ये आपकी ईएक्सी है जो कि यहां पर रन हो रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो hello.exe है उसकी साइज 2500 बाइट के लगभग, मतलब इतनी बड़ी साइज हो जाएगी। जो स्कैन है, प्रिंट है, जो भी आपने काम में लिया था वो सारी चीजें साथ में आके बंडल हो गई, ठीक बात है। अब एक बात बताइए या सोचिए आप, सपोज इस hello.exe को मैं उठाकर ले जाता हूं किसी और कंप्यूटर के ऊपर, किसी और कंप्यूटर के ऊपर किसी दूसरे कंप्यूटर पर जहां पर सी नहीं है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या यह रन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए थी वो तो इसमें पहले ही डाल दी गई,
सी से रिलेटेड जितने भी संसाधनों की आवश्यकता थी वो उसमें पहले ही डाल दिए गए। तो ये जो exe फाइल मेरी बन के आई है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए, कभी कभी ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया तो हो सकता है ये एग्जीक्यूट ना हो। इस exe फाइल को आप किसी भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी दूसरे कंप्यूटर पर अगर लेके जाते हैं, डेफिनेटली दिस फाइल विल एग्जीक्यूट। अगर मैं इस ओबीजे को लेके जाऊं तो वहां पर सी होना जरूरी है, सी होना जरूरी है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे सी में आपने लिखा भैया पेज नंबर 10 पर देखें, उसको कन्वर्ट किया, मान के चले अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, काइंडली रेफर पेज 10। अब पेज 10 क्या है, ये तो यहां पर है ही नहीं, तो साथ में पेज 10 को लाना पड़ेगा कि नहीं, और लाने के बाद हमने exe बनाई है, तो पेज 10 को हम साथ में लेके आए, साथ में लाके हमने exe बना दी। अब मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, पेज 10 मेरा साथ है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सब ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां पर निकल के आ रहे हैं। क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सी के प्रोग्राम को कंपाइल या आप कहें रन करने में कौन कौन सी फाइल्स बनेगी, कंट्रोल F9 क्या करेगा, अल्टर F9 क्या करता है, केवल कंपाइल करता है, कंपाइल करता है ना। F9 क्या करता है, लिंक करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब हम टर्बो सी की बात कर रहे हैं, कल अपन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि भैया और क्या क्या इश्यूज इसमें आते हैं, सी कितने प्रकार की है और किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम अपने एडिटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, वो तमाम बातें अपन करेंगे। मैं चाहता हूं आप कंसेप्चुअली इसको समझ लें तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा है ये आपके समझ में आया। मैं आज इस लेक्चर में इसको यहीं तक रखता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन चीजों को वापस से एक बार रिवाइज करते हुए आगे की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।